Hoşmeyo! 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 Hoşmeyo ke bat karo! Bat karo! Bat karo! Hoşmeyo ke bat karo! Bat karo! Bat karo! Bat to tumko karni hogi! Karni hogi! Karni hogi! Bat to tumko karni hogi! Karni hogi! Karni hogi! Bat to tumko karni hogi! Karni hogi! Karni hogi! Our unity long live! Long live! Long live! Our unity long live! Long live! Long live! देखिए नई दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है विशाल धरना प्रदर्शन आज बैंक कर्मचारी जो है कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं हम। सर आपका परिचय, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम केवी आचार्य, मैं कोऑर्डिनेशन बैंक पेंशन एंड रिटायर्स ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट कन्वीनर हूँ और ऑल इंडिया बैंक पेंशन रिटायर्स कॉन्फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये सभी बैंक का, सभी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन का एक कोऑर्डिनेशन बॉडी है और जो रिटायरीज बैंक रिटायरीज का जो मुद्दा है ये हम उठा रहे हैं। मुद्दा ये है, हमारा पेंशन अभी 25 साल से रिवाइज नहीं हुआ है। जो पेंशन हमें रिटायरमेंट के टाइम में जो मिलता है वही अभी भी मिलता है। आज आप जो डिमांड लेकर आए हैं, क्या डिमांड से? मेन डिमांड पेंशन का रिवीजन, इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन 10,000 भी नहीं मिलता है लोगों को, स्पेशली लेडीज विडोस है उनको 10,000 भी नहीं मिलता है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली पेंशन और मेडिकल बेनिफिट हमारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो भी मेडिकल बैंक्स वाले आए हैं, सारे बैंक इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सारी बैंक रिटायरीज आज इधर इकट्ठा हुआ है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन और भी जगह में चल रहा है। कल बेंगलुरु में था, चेन्नई में था और कलकत्ता में होगा और बॉम्बे में होगा, ऑल इम्पोर्टेंट स्टेट कैपिटल में ये धरना होगा। और हम धरना अभी ये चौथा धरना है, फोर्थ धरना हम कर रहे हैं जंतर मंतर में। और अभी तक हमारा जो भी मुद्दा है इसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फेवरेबल डिसीजन नहीं दिया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जो बैंकर्स के एसोसिएशन है जिसके साथ नेगोशिएशन चल रहा है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, वो सर्विंग एम्प्लॉयज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी हमारा मुद्दा उठाया है लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया है। तो आपने डिमांड डीए न्यूट्रलाइजेशन की भी है, उन 2002 से पहले के जो पेंशन है उनको डीए कुछ और दिया जा रहा है, 2002 के बाद को इंडस्ट्री लेवल दिया जा रहा है। हमारी डिमांड ये भी है हमें उनके पार लाया जाए। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी पेंशन का रिवीजन हो चुका है, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। गवर्नमेंट में वैसे भी है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये फैसिलिटी उन्होंने नहीं दिया। अच्छा सर, आप बता रहे हैं आप चौथी बार यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? वो रिटायरीज को इग्नोर कर रहा है गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड। उन्होंने बैंक वो सीनियर सिटीजन के बारे में वैसे बोलने में भाषण में बोलते हैं सीनियर सिटीजन, लेकिन सीनियर सिटीजन को जो भी मुद्दा है गवर्नमेंट इज नॉट रियली टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन दैट। अगर आज भी आपकी डिमांड्स जो है, आज आप आए हैं काफी भारी संख्या में, आप लोग आए हैं, कितनी संख्या होगी इस समय? संख्या और भी बढ़ेगा, अभी हमारा प्रोग्राम अप टू 1 o'clock है, और भी बढ़ेगा हर जगह में। अच्छा, बैनर के सभी एक ही मंच पर पांच ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया का पांच ऑर्गेनाइजेशन सभी इकट्ठा होके कोऑर्डिनेशन बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन CBPRO बोल के हम सब इसमें इकट्ठा होके जॉइंटली हम ये मुद्दा फाइट कर रहे हैं जॉइंटली। अगर आज भी आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो आप लोग अब आगे और क्या है आप लोगों की? हम एज रिटायरीज हम कम से ज्यादा हम डिमोशन कर सकते हैं, डिमोशन करेंगे, हम ह्यूमन चेन का बना देंगे और कुछ भी नहीं होगा तो मार्च टू द पार्लियामेंट भी करेंगे। मार्च टू द पार्लियामेंट
स्ट्राइक नहीं कर सकता है, लेकिन मार्च मार्च तो पार्लियामेंट करेंगे हम, शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन करेंगे अभी शांतिपूर्वक। अभी हम सीनियर सिटीजन है, हम अच्छा तरीके से हमारा जो मामला है वो सॉल्व होना चाहिए, गवर्नमेंट सुनना चाहिए। आप सारे रिटायर्ड आ रखे हैं? ऑल रिटायर्ड, और सभी हमारा आज हमारा एज 70 से ऊपर है। ये सर्दी में लोग बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं लोग? अभी ये दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली से NCR गुड़गांव से, फरीदाबाद से, पानीपत से, सोनीपत से, गाजियाबाद से लोग आ रहे हैं। सिमिलर टाइप का धरना जो हुआ है वो सभी जगह पे हो रहा है, बेंगलोर में, चेन्नई में, हर जगह पे इसको किया गया। बेंगलोर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा, अब केंद्र सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इतनी एज में भी आप लोग बुजुर्ग हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज चौथा नहीं चौथा आज धरना प्रदर्शन है, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, तो क्या अपील करेंगे सरकार? नहीं, हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी लिखा है और मिनिस्टर से भी मिले हैं हम, लेकिन सभी एश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन मतलब आप लोगों को एक सतावना दे दिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है, आश्वासन को उन्हें पूरी नहीं करते, बिल्कुल पूरी नहीं किया। इंडियन बैंक एसोसिएशन और गवर्नमेंट दोनों चुप है, दोनों चुप। इंडस्ट्री लेवल पे जो है वो नेगोशिएशन चल रही है वेज रिवीजन के लिए, इन सर्विस एम्प्लॉइज के लिए, तो हमारी भी जो डिमांड्स हैं उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो सेटलमेंट हो उसके अंदर जो रिटायरीज की जेन्युइन डिमांड्स हैं, बिल्कुल जो है पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस, ये तीन मेजर हमारी जो हैं ये उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। 100% DA न्यूट्रलाइजेशन आल्सो अबाउट, ये हमारी डिमांड्स हैं। तो हम लोग आज भी धरना के बाद मिनिस्ट्री में जाएंगे, सेक्रेटरी को मेमोरेंडम देंगे और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को, पहले भी प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके आगे यहाँ से कुछ नहीं होता, बस आश्वासन देते हैं, हाँ हम देख रहे हैं। एक जुमला दे दिया जाता है। इसमें मेन चीज ये है, जो भी हमारी डिमांड्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट का या बैंक का कोई एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है, हमारे फंड्स इतने हैं रिटायरीज के वो ही उसको मेकअप कर लेंगे, कोई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं है। हमारा पेंशन फंड हमने क्रिएट किया है, हमारा PF जो मैनेजमेंट का PF हमें देना था वो PF हम नहीं लिया, वो PF का पेंशन फंड हो गया, ये फंड में 3 लाख करोड़ अमाउंट है, 3 लाख करोड़ अमाउंट। सो हमारा जो भी डिमांड है बैंक के बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा जो पेंशन फंड है इससे उनको दे सकता है पूरे का पूरा अमाउंट। इसमें ऐसा है कि जो आखिरी पेंशनर गुजर जाएगा ये पेंशन फंड से वैसे के वैसे रह जाके सरकार को चला जाएगा, ये हमारी फंड है, हमने हमारे फंड है, हमको देना चाहिए, हमारा प्रोविडेंट फंड को हमने हक है और आपको नहीं, हमारा प्रोविडेंट फंड को हमने सैक्रिफाइस किया है, प्रोविडेंट फंड को सैक्रिफाइस किया है, उसका फंड बना है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला के कम से कम 3 लाख करोड़ है और ये हमको वैसी जुमला दे रहे हैं कि 95 करोड़ लगेगा इनको देने से, पर ऐसा कुछ नहीं है, 95 करोड़ नहीं लगेगा, हमने एक्चुअली से भी डिस्कस किया है। मेनली इंडियन बैंक एसोसिएशन और गवर्नमेंट, ये इज ए वेकअप कॉल टू देम, वो जरूर है, हमारा जो ये ग्रीवेंसेस है सुनना चाहिए, ये भी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऐसे इनकार नहीं कर सकता है। मैडम, दूसरे देशों में इवन मेडिकल फैसिलिटी जितने सीनियर सिटीजन को फ्री होती है, यहाँ मेडिकल का प्रीमियम भी इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि हम लोगों को 40,000 रुपए रिटायरीज को प्रीमियम देना पड़ रहा है, जबकि फॉरेन कंट्री दूसरी कंट्री में प्रीमियम है ही नहीं, कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से नहीं मिल रही हम लोगों को। मेरे पेंशन फंड के अंदर बैंक ने जो पैसा कलेक्ट करा है वो 65,000 करोड़ रुपए है, उसके बाद भी बैंक जो है डिफरेंशिएशन करता है, किसी को 100% 50% देता है, किसी को 40% देता है, उस 65,000 करोड़ को मुझे तो ये डाउट है कि जैसे रिजर्व बैंक से 1 करोड़ पैसा को गवर्नमेंट ले गई है, कभी वो फंड भी ना गवर्नमेंट हमारे पेंशन फंड। अच्छा, आप लोग का अगर डिमांड नहीं पूरा हुआ तो आप लोग संसद का भी घेराव करेंगे? डेफिनेटली, हमारा मार्च तो पार्लियामेंट, हम वैसे शांत पूर्वक से हम ये एक एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन
गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया तो हम मार्च टू द पार्लियामेंट करेंगे। पार्लियामेंट देख सकते हैं जो डिमांड है, हाँ जो हमारी डिमांड है उसके लिए हमारे पास जो 3 लाख करोड़ फंड है उसका इंटरेस्ट इतना आता है कि हमारी फाइनेंशियल डिमांड्स पूरी करने के बाद भी उनके पास करीब जितना हम पर खर्च कर रहे हैं उतना और बचेगा आगे के लिए फंड बिल्डअप करने के लिए। फिर भी कहते हैं कि पैसा नहीं है, बैंक लॉस में है। बैंक के लॉस से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा एक पेंशन फंड है अलग, वो बैंक उसका ओनर नहीं है, हम लोग उसके ओनर हैं फंड के, उसमें से ही देना है हमें, फिर भी नहीं दे रहे। अच्छा सर, आज आप कह रहे हैं कि संसद का घेराव करेंगे तो आपकी कब की प्लानिंग है? अगर ये आपकी डिमांड आज पूरी मार्च करेंगे, मार्च टू द पार्लियामेंट, मार्च टू द पार्लियामेंट। अभी हम जरा वेट करेंगे, आज हम मेमोरेंडम देंगे, हमारा मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी देंगे, आईबीए को भी देंगे और प्राइम मिनिस्टर को भी देंगे। हमें उम्मीद है कम से कम अभी वो सुनेगा हमारा। हाँ, इसके बाद हम ये हमारे प्लानिंग के अंदर है, ये जो है 1x1 स्टेप, वी विल टेक दिस एक्शन 1x1। अभी देख लीजिए वो ग्रेचुटी अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 1/1/2016 से जनवरी 1st 2016 से इफेक्टिव दिया, बढ़ा के 20 लाख करके दिया उन्होंने, लेकिन बैंक एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स के लिए उन्होंने 28 मार्च 2018 क्योंकि वो 1/1/16 से होना चाहिए। हमारा ये है उसी दिन से जो दिन उन्होंने हमारे लोग रिटायर हुए उनको कम ग्रेचुटी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा दे रहे हैं। हमारा जो मांगे है ये बहुत ही क्वाइट नेचुरल है एंड क्वाइट जेन्युइन है। द एम्प्लॉइज हु हैज गॉट रिटायर्ड इन द ईयर ऑफ 1992 एज ऑन डेट आल्सो दे आर गेटिंग द सेम पेंशन व्हाट दे आर गेटिंग एट दैट टाइम, ऐसा कहाँ है? और हमारा जो पेंशन फंड है दैट इज मोर देन एनफ टू कवर एंड अपडेट ऑल दिस थिंग्स। सो व्हाट वी आर आस्किंग दैट इज वेरी वेरी रीजनेबल आवर इंश्योरेंस दैट। ये जो हमारा फैमिली पेंशन है वो फैमिली पेंशन इतना कम है कि सीनियर लेवल के जो लोग हैं उनको 15% भी नहीं, 9% खाली मिलता है, 9% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे, और रिजर्व बैंक में 30% कर दिया विदाउट एनी सीलिंग कर दिया। हमारी ये मांग है कि हमारा जो फैमिली पेंशन है वो फैमिली पेंशन रिजर्व बैंक के मुताबिक हमारा भी होना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ है, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा है, अभी केंद्र सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत से लोगों को रियायत दे दी कॉरपोरेट सेक्टर को, हम इतना चाहते हैं कि हमारे इंश्योरेंस पे 18% GST लागू किया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए 18% GST इंश्योरेंस प्रीमियम पे लागू करना, ये ज्यादा है, इसलिए हम कह रहे हैं आज का दिन में इतना आप लोग सर्विस देते हैं 30-35 साल तो आप लोग सर्विस देते हैं, 40-42 साल सम पीपल हैव आप लोगों को जब में आता है सुख भोगने का तो उस समय हमें कुछ नहीं दिया जाता केंद्र शासन से। आज का पेपर में भी आया है टेलीकॉम कंपनी को केवल वोडाफोन और एयरटेल को 34,000 करोड़ रुपया ये लोग रियायत दिया है और हमारा GST नहीं मिल रहा है। GST से 8,000 रुपए हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है। रिजर्व बैंक जो है सभी बैंकों का रेगुलेटर बैंक है, रिजर्व बैंक की जो इनका इंटरव्यू, रिजर्व बैंक सभी बैंकों का रेगुलेटर बैंक है। जब रिजर्व बैंक की पेंशन अपडेशन गवर्नमेंट ने कर दिया है तो बाकी चीज़ों में फॉलो करने में क्या दिक्कत है? जो लीडर है रिजर्व बैंक है वहाँ गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है, तो बाकी बैंकों में जब पॉलिसी रिजर्व बैंक की चलती है तो सेम पॉलिसी स्टाफ के लिए क्यों नहीं है? और रिजर्व बैंक ने गवर्नमेंट ने क्यों दिया है? रिजर्व बैंक के एम्प्लॉइज को खुश रखने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट ने 176 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किया है किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म ना हो, एम्प्लॉय के लेवल पे कोई विरोध ना हो। गवर्नमेंट ने बहुत सोची समझी पॉलिसी के अंडर रिजर्व बैंक के एम्प्लॉयज़ का पेंशन रिविजन कर दिया है, बाकी जो और बैंक है उनको बिल्कुल साइड में छोड़ दिया है। जैसे आपने बताया ये जब हम लोगों को हम लग्जरी नहीं डिमांड कर रहे, हमने अपने 30-40 साल की सर्विस दी है और मोदी जी की जो है मोदी जी की गवर्नमेंट है जो सरकार है हमारे आज मोदी जी कहते हैं हमने धन धन नीति चलाई है,
उसका कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, बैंक एम्प्लाइज को। तो मोदी जी को, प्रेजेंट सरकार को सोचना चाहिए कोई बदले में दे। धन्यवाद मैडम। आप लोग सभी कर्मचारी रिटायर्ड हैं अब बैंक से, क्या डिमांड लेकर आई हैं केंद्र सरकार के आगे, क्या अपील करना चाहेंगे? एक तो हमारे मतलब पेंशन अपडेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही उसी डरे पर चली आ रही है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए हमारी भी। दूसरा फिर सेवंथ पे कमीशन के उसमें आनी चाहिए। फैमिली पेंशन बहुत कम है बैंकों में, ओनली 30%, जो कि सफिशेंट नहीं है। दूसरा इंडस्ट्री लेवल का डीए मिलना चाहिए हमें। हाँ मैडम, ऐसा है हमारी जो बेसिक सैलरी है उसमें से कुछ हिस्से को स्पेशल अलाउंस करके अलग कर दिया गया, जो हमारे साथ चीटिंग जैसा ही हुआ। क्योंकि जब हम रिटायर होते हैं तो वो हमारी पेंशन का हिस्सा नहीं रहता, उसमें से मतलब 1/4 अलग हो जाता है, तो हमारी पेंशन बहुत ही कम है, उसी अकॉर्डिंगली फैमिली पेंशन भी कम है। आपको पेंशन मिलता है लेकिन कम मिल रहा है? हाँ कम मिल रहा है, जो कह रहे पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन बनकर सब कुछ मिलना चाहिए। तो इनका यही डिमांड है, अगर इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है, देखिए जंतर मंतर पे तमाम लोग आए हुए हैं, बैंक कर्मचारी हैं सारे, अगर इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो ये संसद का भी घेराव करेंगे, शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।